Asalaamu Alaikum students, this is Isha vasim Today we are going to start unit number one, exercise number 1.3, question number 8. It's our last question of exercise 1.3. So don't waste the time, let's start the video. Or question number 8 is if A is equal to 1201, 1, B is equal to 1120, then verify that. इस क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक और बी मैट्रिक की वैल्यूज गिवन है इस क्वेश्चन के सिक्स पार्ट है ठीक है तो ये कह रही हैं कि अगर हमारे पास ए की ये वैल्यू है और बी की ये वैल्यू है तो ये पार्ट्स वेरीफाई करें तो सो तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोर्स ट्रांसपोज इज टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ठीक है अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ सबसे पहले अब मेरी मर्जी में लेफ्ट हैंड साइड लूँ या राइट हैंड साइड लूँ ये लेफ्ट हैंड साइड होती है हो, और ये राइट हैंड साइड होती है ठीक है अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी टेकिंग लेफ्टाइड है जो कि हमारे पास है ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज ठीक है इसमें हम अब हमने क्या करना है यहाँ देखिए यहाँ क्या है ए प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज अब हमें देखें जैसे हमें ए की वैल्यू गिवन थी जो कि हमारे पास थी वन टू जीरो वन बी की क्या थी वन वन टू जीरो तो हम हमारे पास क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे उसके बाद हम बी की वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों को आप इसमें प्लस कर देंगे अब देखिए हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम प्लस करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ सर्कल ब्रैकेट लगी हुई है ट्रांसपोज हम इसलिए नहीं लेंगे सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम सर्कल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ठीक है सर्कल ब्रैकेट के बाय ट्रांसपोज है तो इसका क्या मतलब है कि जो भी ए और बी का सम जो आएगा उसका आंसर जो आएगा उसको प्लस करके उसका हम ट्रांसपोज लेंगे ठीक है तो ए की हमारे पास क्या वेल्यू थी वन टू जीरो वन प्लस बी की क्या वैल्यू थी वन वन टू जीरो सर्कल ब्रैकेट डाल के बाय स्मॉल टी लगा दिए इसमें कि है ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज और मैट्रिक हमने बाय लगा दिया ठीक है सबसे पहले अब मैं सॉल्व करूंगी आ, वन प्लस वन टू प्लस वन जीरो प्लस टू वन प्लस जीरो ठीक है बायर ऐसे ही सर्कल ब्रैकेट डाल के मैं स्मॉल टी लिखती जाऊंगी उसके बाद वन प्लस वन कितने होते हैं वन प्लस वन इज इक्वल्स टू 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 प्लस वन थ्री जीरो प्लस टू टू वन प्लस जीरो वन ठीक है अब मैंने इन दोनों को आप इसमें सम इन दोनों का सम कर लिया इन दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास भी क्या आंसर आ गया टू थ्री टू वन और बाय स्मॉल टी में लिख दूंगी ठीक है अब हम इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि हमने सर्कल का बैकेट सॉल्व कर ली अब हम ट्रांसपोज लेंगे अब हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज क्या होता है जब हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें अब रो को कॉलम में अगर हम कैसे चेंज करेंगे टू थ्री ये रो थी ये कॉलम में चेंज हो गई टू वन ये रो थी ये कॉलम में चेंज हो गई अगर आप इसके कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं टू टू ये कॉलम था ये रो में चेंज हो गया थ्री वन ये कॉलम था ये रो में चेंज हो गया ठीक है तो जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया इस मैट्रिक का तो हमारे पास क्या आ गया टू टू थ्री वन ठीक है तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया टू टू थ्री वन मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी लेकिन राइट हैंड साइड जो के हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ठीक है अब हमारे पास ए की क्या वैल्यू थी हमारे पास ए की वैल्यू थी वन टू जीरो वन बाय स्मॉल टी लगा दिया प्लस बी की थी वन वन टू अवेलिटी बाय है अब मैं इसे सॉल्व करूंगी ये नहीं कि आप सबसे पहले ए और बी को प्लस कर दो उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले नहीं वो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड का कुछ और था ये राइट हैंड साइड का कुछ और मेथड है सबसे पहले देखिये ए मैथ किसा ट्रांसफोर्स लगा यहां से कहीं नजर आ रही है नहीं ठीक है तो देखिए ए के ए मैट्रिक के बाय ट्रांसपोज लगा हुआ है और बी मैट्रिक के बाय ट्रांसपोज लगा हुआ है स्मॉल टी लगा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगी वन जीरो कॉलम था ये रो में चेंज हो गया टू वन ये कॉलम था ये रो में चेंज हो गया इसका मैं ट्रांसपोज ले लिया अब मैं स्मॉल टीका साइन हटा दूंगी क्योंकि मैंने ट्रांसपोज ले लिया है अब इसका ट्रांसपोर्ट लूंगी वन वन रो थी इसे कॉलम में चेंज कर दिया टू जीरो ये रो थी इसे कॉलम में चेंज कर दिया ठीक है इन दोनों मैचेस का मैंने ट्रांसपोर्ट ले लिया अब मैं इन दोनों मैचेस को प्लस करूंगी ठीक है प्लस अब कैसे करूंगी वन प्लस वन जीरो प्लस टू टू प्लस वन वन प्लस जीरो ठीक है उसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू टू जीरो प्लस टू 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 प्लस वन थ्री वन प्लस जीरो वन अब जब मैंने राइट हैंड साइड को सोल्व किया जो कि मेरे पास सी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोर्ट तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है टू टू थ्री वन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पार्ट वन में कि जो ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के ये लेफ्ट हैंड साइड होती है राइट हैंड साइड होती है इस मीन के लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आना चाहिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए तो देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया टू टू थ्री वन अब आ, अब मैं राइट हैंड साइड को देखूंगी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास क्या आंसर आए ये देखिए जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया टू टू थ्री वन अब देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो two, two, three, था वो टू टू थ्री वन था और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो मेरे पास आया वो टू टू थ्री वन है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है अब मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट लिखना जरूरी होता है तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड So, ये था हमारा पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू इज ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है ये वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पार्ट वन सॉल्व किया वैसी पार्ट टू भी है अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज ठीक है पार्ट वन में यहाँ प्लस का साइन था पार्ट टू में या माइनस का साइन आ गया ये वैसे ही करेंगे पार्ट वन जैसे किया था हमने ये हमारे पास ए मैट्रिक है ये वी मैट्रिक है इन दोनों को सबसे पहले हम माइनस करेंगे क्यों क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट लगी हुई है उसके बाद ट्रांसपोज है ये नहीं कि बी के साथ ट्रांसपोज लगा हुआ नहीं इसका जब इसको जब हम सब करेंगे उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे ठीक है इसे हम सॉल्व करते हैं ठीक है कितने जीरो टू माइनस वन वन जीरो माइनस टू माइनस टू इसलिए आया क्योंकि बिगर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू टू थी उसका साइन माइनस था वन माइनस जीरो वन अब मैंने ए माइनस बी को सॉल्व कर लिया अब मैं इसके आंसर का ट्रांसपोज लूँगी ट्रांसपोज अब मैं लूँगी क्योंकि मैंने इसका आंसर निकाल लिया है मेरे पास क्या आंसर है जीरो वन माइनस टू वन अब इसका तो मैं ट्रांसपोज लूँगी जीरो माइनस टू ये कॉलम था इसे मैंने रो में चेंज कर दिया वन वन ये कॉलम था इसे मैंने रो में चेंज कर दिया तो जब मैंने टेकिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हैंड साइड को सॉल्व किया जो कि मेरे पास थी ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज तो मेरे पास क्या आंसर आ गया मेरे पास आंसर आया ज़ीरो माइनस टू वन वन अब मैं राइट हैंड साइड करूंगी चेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास राइट हैंड साइड कौन सी है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए मैट्रिक हमारे पास क्या था वन टू जीरो वन माइनस बी मैट्रिक क्या था वन वन टू जीरो अब हम ये देखिए यहाँ नहीं कोई सर्कल ब्रैकेट है हमने यहाँ क्या, क्या करना है ये सबसे पहले हम ए मैट्रिक का ट्रांसपोज देंगे उसके बाद हम बी मैट्रिक का ट्रांसपोज देंगे ठीक है अब मैं ट्रांसपोज लेती हूँ ए ट्रांसपोज वन जीरो रो थी इसे कॉलम में चेंज कर दिया जीरो वन ये रो थी इसे कॉलम में चेंज कर, कर दिया इसका ट्रांसपोज मैंने ले लिया अब बी का ट्रांसपोज दूंगी वन टू ये कॉलम था इसे मैंने रो में चेंज कर दिया वन जीरो कॉलम था इसे मैंने रो में चेंज कर दिया तो जो अब हम अब मैंने ए का भी ट्रांसपोज ले लिया बी मैट्रिक का भी ट्रांसपोज ले लिया अब मैं इन दोनों तो को माइनस करूंगी ठीक है वन माइनस वन ज़ीरो माइनस टू टू माइनस वन वन माइनस जीरो वन माइनस वन कितने होते ज़ीरो जीरो माइनस टू माइनस टू टू माइनस वन 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 माइनस जीरो वन या माइनस टू इसलिए है क्योंकि बिगर वैल्यू का साइन टू था माइनस था माइनस था माइनस टू था, था तो इसीलिए आंसर में भी माइनस टू आया तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया जीरो माइनस टू वन एंड वन मैं इसका आगे ट्रांसपोज क्यों नहीं लूंगी क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं कह, कह, कहा गया कि इसका आगे आंसर का भी ट्रांसपोज है क्योंकि हम इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए का पहले ट्रांसपोज लें उसके बाद बी का ट्रांसपोज लें और फिर उन दोनों को माइनस करें लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि जो ए ए और बी को माइनस करके जो आंसर रहेगा उसका ट्रांसपोज लेगी लेकिन यहाँ ए, सबसे पहले हम एक का ट्रांसफोज लेंगे फिर बी का ट्रांसफोज लेंगे उसके बाद माइनस करेंगे आंसर में हम नहीं ट्रांसपोज पोजेंगे ठीक है जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की मेरे पास क्या आंसर आ गया जीरो वन माइनस टू एंड वन अब मैं चेक करूंगी कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है या नहीं है इस क्वेश्चन में यही कह रहे थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, गया। देखें ये देखें जीरो माइनस टू वन एंड वन जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया और जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया आ गया हमारे पास आंसर जीरो माइनस टू वन वन अब देखिए कि इन दोनों के जो वैल्यूज हैं जो इन दोनों का आंसर है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वो दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सो दिस जॉब पार्ट नंबर टू होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चनिंग पार्ट एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर एट थैंक यू अल्लाह हाफिज